तत्व हमको खींचता है, खींचता है तो हमारे अंदर के पाप दुख तकलीफ सब चले जाते। बहुत कम लोग होते हैं जो शिवलिंग को जान पाते हैं। ए मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, बहुत कम लोग होते हैं जो शिवलिंग को जान पाते हैं, बहुत कम। कई लोग शिवलिंग की हंसी उड़ाएंगे, बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते कि शंकर के शिवलिंग में है क्या, शंकर का शिवलिंग है क्या, काशी के शिवलिंग में, भीमा शंकर के शिवलिंग में, केदारेश्वर के शिवलिंग में, चकलेश्वर के शिवलिंग में, भूतेश्वर के शिवलिंग में, गोपेश्वर के शिवलिंग में, त्र्यंबकेश्वर के शिवलिंग में, वैद्यनाथ के शिवलिंग में, केदारनाथ के शिवलिंग में, सोमनाथ के शिवलिंग में, मल्लिकार्जुन के शिवलिंग में, रामेश्वर के शिवलिंग में, आखिर है क्या। जिसने एक बार जान लिया कि त्र्यंबक मंत्र की महत्वता क्या है, जिसने एक बार जान लिया कि शंकर के मूल मंत्र का व्याख्यान क्या है, जिसने जान लिया कि शंकर के भीमा शंकर लिंग का वर्णन क्या है, त्र्यंबकेश्वर लिंग का वर्णन क्या है, चकलेश्वर शिवलिंग का वर्णन क्या है। कितने शिवलिंग है चकलेश्वर में? अरे बोलो तो जम के, कितने? पांच। कितने शिवलिंग है? पांच। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव पढ़ते, पांच शिवलिंग। अब कभी विचार करा आपने कि ये पांच शिवलिंग क्यों आ गए यहां पर? किसके कहने पर आ गया? क्यों पहुंचे चकलेश्वर महादेव वहां पर? कभी विचार करना, सारे मंदिरों में एक शिवलिंग, दो शिवलिंग, पर चकलेश्वर महादेव में पांच। अरे भाई, मथुरा के भूतेश्वर, वृंदावन के गोपेश्वर, कामवन के कामेश्वर, नंदगांव के नंदीश्वर और मानसी गंगा गोवर्धन के चकलेश्वर, मेरे चकलेश्वर महादेव जहां विराजमान थे, तो एक बार भगवान कृष्ण ने विचार किया, महादेव जी से निवेदन किया, बाबा भक्त आएंगे ब्रज की रज में दर्शन करने के लिए, उनको किसी को मथुरा जाना पड़ेगा, किसी को कामवन जाना पड़ेगा, किसी को नंदगांव जाना पड़ेगा, किसी को कहीं वृंदावन जाना पड़ेगा, एक काम करो ना, कभी कभी तुम पांचों एक ही जगह इकट्ठे हो जाओ ना, जब कोई गोवर्धन की परिक्रमा करने आएगा, परिक्रमा करने आएगा, बहुत आस लेकर आएगा, गिरिराज बाबा की परिक्रमा में जब वो आस लेकर आएगा, भूलवश भी कोई जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई गंधर्व, कोई देव, भूलवश भी गिरिराज जी की अगर परिक्रमा भूल से भी लगा लेगा, तो कम से कम आप पांचों के दर्शन का फल एक ही जगह मिल जाएगा। आप आओ ना पांचों एक जगह। बैठा चकलेश्वर बनकर बैठा, और महाराज वो शिव है, शिव साधारण क्या,